आइए आज हम पढ़ते हैं पार्ट दो, पापा की सुंदर गेम। बच्चों, हमें कभी भी अपनी किसी भी सुंदर वस्तु को लेकर घमंड कभी नहीं करना चाहिए, ना ही लालच करना चाहिए, क्योंकि इसका फल अच्छा नहीं होता है। तो आइए इस कहानी से आज हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। पापा जब बहुत ही छोटे थे, पावलो पोशो नामक एक छोटे से शहर में रहते थे। एक बार उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर बड़ी सी गेंद दी। गेंद बिल्कुल सूरज जैसी थी, बल्कि सूरज से भी कहीं अच्छी थी। उसकी तारीफ एक तक देखा जा सकता था, और सूरज से तो वह चार गुनी सुंदर थी, क्योंकि वह चार अलग अलग रंगों की थी। सूरज तो एक ही रंग का होता है, और वह भी कहा भी नहीं जा सकता। गेंद मिठाई की गोली की तरह गुलाबी थी, और चॉकलेट की तरह कत्थई। उसका ऊपरी हिस्सा आसमान की तरह और घास का और पेंदा घास की तरह हरी थी। इस तरह से पापा को अपनी गेंद पर बहुत ही नाज था। वे दूसरे बच्चों को अपना गेंद दिखाकर ललचाते थे, लेकिन कभी भी अपनी सुंदर गेंद से उनसे खेलने नहीं देते थे। कुछ दिन तक तो उनके साथी उनसे खेलना बंद कर दिए, लेकिन बाद में वे फिर बोले, क्योंकि उन्हें अकेले खेलने में मज़ा नहीं आता था। फिर बाद में वे अपने साथियों को बुलाए और खेलने लगे। उनके साथी उन्हें चिढ़ाने लगे। वे अपने साथियों को गेंद दिखाते और कहते कि देखो मेरा गेंद कितना अच्छा है, ये कभी भी नहीं फटेगा। उनके मित्र सभी साथी हंसते और कहते हाँ हाँ नहीं फटेगा नहीं फटेगा। तो ऐसा करो ना, तुम मोटर गाड़ी के नीचे इस गेंद को फेंक दो। डरते क्यों हो, फेंक दो ना। पापा ने क्या किया, अपनी गेंद उठाई और मोटर के नीचे फेंक दिया। गेंद लुढ़क कर पिछले पहिए के नीचे गया, थोड़ी सी स्कूटर उछली और गेंद वहीं का वहीं रह गया। पापा जैसे ही गेंद लेने के लिए दौड़े, एक धड़ाक से आवाज़ हुई। वह क्या थी, वह गेंद फटने की ही आवाज़ थी। पापा का मन दुखी हो गया। पापा जोर से चिल्ला कर रोने लगे, और गेंद फटने की बात उन्होंने डर से किसी को नहीं बताई, केवल अपने चाचा जी को ही बताया, और इस तरह से उनका अच्छा गेंद टूट गया। तो बच्चों, आपने देखा ना कि कभी भी अपनी किसी भी सुंदर वस्तु के प्रति घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमेशा टिकने वाला नहीं होता है। धन्यवाद।